पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आज आपने जीत ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बहुत धन्यवाद आपका और चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक काम, अभी तक का 93% कुल मतदान का उन्होंने मेरे समर्थन में दिया है। निश्चित रूप से ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके कालखंड के अभी 8 साल पूरे हुए हैं, ये उसको भी जो है, उस कार्यकाल को भी जनता ने हाथों हाथ लिया है और उस पर अभी आम चुनाव में मोहर लगाई थी, फिर से जो है इस उपचुनाव में भी मोहर लगाई है। हम कृत संकल्पित हैं कि चंपावत क्षेत्र हमारा, यहाँ की देवतुल्य जनता, जो अपेक्षा और जिस आशा के साथ उन्होंने ये चुनाव किया है, ये मतदान किया है, मतदान में एक इतिहास बनाया है, उसी प्रकार से हम सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नया चंपावत, एक नया यहाँ का विकास का मॉडल खड़ा करेंगे। सीएम साहब, जो संवैधानिक बाध्यता थी उसको आपने पूरा कर लिया, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे? अब तो आपको पूरी तरह से काम करने का मौका है। देखिए, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा मानना है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम काम करेंगे, सभी के विचार लेंगे, सभी से बात करेंगे और सबको साथ में लेकर, जो एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी पर आगे चलेंगे। आखिर में आपके स्वभाव के मुताबिक सीएम साहब, आप हमेशा विपक्ष को भी साथ में लेते हैं? नहीं, मैं विपक्ष के भी सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी ने शांतिपूर्ण मतदान, जिन लोगों ने भी यहां पर करवाने में अपना योगदान दिया है, हमारे सभी चुनाव आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पुलिस विभाग के, राजस्व विभाग के, और जिन लोगों ने भी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है, और विपक्ष के भी, हम हमारी जो सामने कैंडिडेट थी निर्मला दीदी और जो हमारे निर्दलीय थे, सभी का सहयोग रखा है, सभी लोगों ने अपने अपने लिए प्रयास किया, सभी अच्छे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ये किया है कि चंपावत की जो जीत है उस जीत के आधार पर आगे, यानी कि प्रदेश के विकास को लेकर के वो एक नया रोड मैप तैयार करेंगे और विपक्ष को भी साथ में लेकर उन्होंने चलने की बात कही है। कैमरा पर्सन संदीप बडुआ के साथ में राम अनुज, जी मीडिया, चंपावत।